मित्रों, इंसुलिन आरंभ करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए यह हमने पिछले वीडियो में सीखा। आइए कुछ माइनर पॉइंट्स पे एक बार फिर से नज़र डालें, जिससे हम ये समझने की कोशिश करें कि किसी इंसुलिन प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या कमियां रह जाती हैं और उन कमियों को हम किस प्रकार से दूर करें। किसी इंसुलिन प्रिस्क्रिप्शन को लिखते समय जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह उस इंसुलिन का एक्शन प्रोफाइल को ध्यान में रखना। यदि यह एक्शन प्रोफाइल हमारे मन में रहेगा, हमारे ध्यान में रहेगा, तब हम एक बेहतर इंसुलिन प्रिस्क्रिप्शन दे सकेंगे और उसके डोज टाइट्रेशन में भी हमें अधिक सहायता मिलेगी। आरंभ करते हैं बिट्स रेजिमन से। बिट्स रेजिमन मतलब बेड टाइम इंसुलिन और डे टाइम सल्फोनिलूरिया, अर्थात हम किसी पेशेंट की सारी दवाएं पहले जैसी रहते हुए केवल उसको एक नाइट टाइम बेड टाइम एक बेसल इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, उनको किस प्रकार से सॉर्ट आउट करें, इसको समझते हैं। जो सबसे पॉपुलर रेजिमेन है बिट्स रेजिम के लिए वह बेड टाइम पे एनपीएच इंसुलिन देना। इस केस में हम देख रहे हैं कि जब हमने फर्स्ट डे हमने बेड टाइम पे ये ग्रीन कर्व दिखाया है, ये एनपीएच इंसुलिन दी, तब ये एनपीएच इंसुलिन 6 to 8 hours पे जब पीक करती है उस समय हमारे पेशेंट का जो डिनर रिलेटेड ग्लाइसेमिक एक्सक्रेशन था ऑलरेडी वो नॉर्मल लेवल पे आ चुका होता है। तो इस प्रकार से जब एनपीएच पीक कर रही है उस वक्त कोई ग्लूकोज सप्लाई नहीं हो रही, मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस काफ़ी होते हैं, जिसको येलो कलर से दिखाया है। और यही हमें हर एनपीएच प्रिस्क्रिप्शन हर बिट्स रेजिम के साथ में ध्यान में रखना है, पेशेंट की 3 o'clock पे ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट कराकर। तो यदि इस मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया से बचना है तो ऑप्शन हमारे सामने है एनपीएच इंसुलिन को रिप्लेस करें ग्लार्जिन इंसुलिन से। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एनपीएच इंसुलिन की पीकिंग जो 6 to 8 hours में होती है वो काफ़ी हाई है, जबकि ग्लार्जिन इंसुलिन की पीक डिलेड भी है और लोअर है। तो इस प्रकार से ग्लार्जिन इंसुलिन मॉर्निंग में पीक कर रही है जब हमें फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स को सप्रेस करना है, और इसके अतिरिक्त ग्लार्जिन हमारे दिन में भी ओवरशूट कर रहा है उसका इफेक्ट 24 hours तक, जब हम डे टाइम वैल्यूज को भी सप्रेस करने में मदद ले रहे हैं। तो इस प्रकार से एनपीएच इंसुलिन के साथ होने वाली मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस को कम करने में यह ग्लार्जिन इंसुलिन मदद कर सकती है। परंतु क्या ग्लार्जिन इंसुलिन बेड टाइम देने पे मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता? अवश्य, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज लेवल्स को कम करना, और जब ग्लार्जिन इंसुलिन का पीक असर मॉर्निंग आवर्स के पास भी आएगा तो लेट नाइट में अर्ली मॉर्निंग में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ग्लार्जिन से भी रहेंगे, यह सही है कि एनपीएस से कम होंगे। अब समझा जाए कि हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो यदि हम ग्लार्जिन को बेड टाइम की जगह हम मॉर्निंग आवर्स में प्रयोग में लाते हैं तो हम देख सकते हैं कि अब उसकी जो इंसुलिन ग्लार्जिन की पीक है वो हमारी डे टाइम में फॉल कर रही है, और ये डे टाइम हमारा लंच का और इवनिंग का जो समय है जिसमें हम फेड स्टेट में हैं, तो उस समय हमारी इन वैल्यूज़ को लोअर डाउन करने में मदद करेगी। पेशेंट जगा हुआ है, लंच और इवनिंग स्नैक्स ले चुका है, इस समय होने वाला जो हाइपोग्लाइसमिक प्रॉपर्टी है ग्लार्जिन की वह काफ़ी कम रहेगी बनिस्बत की जब हम बेड टाइम ले रहे हैं और मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग में उसकी पीक आ रही है। तो यदि मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ग्लार्जिन से कम करने हैं तो हम ग्लार्जिन को रात बेड टाइम की जगह पे मॉर्निंग आवर्स में इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक शॉर्टकमिंग और भी हमारी बेड टाइम ग्लार्जिन के साथ रह जाती है कि बेड टाइम ग्लार्जिन फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया को तो बहुत इफेक्टिवली मैनेज करती है, लेकिन पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिक ग्लाइसीमिक एक्सकर्शंस पे इसका कोई प्रभाव विशेष नहीं होता। तो फास्टिंग नॉर्मलाइजेशन के बाद भी पोस्ट प्रांडियल आफ्टर ब्रेकफास्ट या पोस्ट प्रांडियल आफ्टर लंच वैल्यूज काफ़ी बढ़ी हो सकती हैं। इससे कैसे हम इसको काउंटर कर सकें? यहाँ भी यदि हम ग्लार्जिन को मॉर्निंग आवर्स में प्रयोग में लाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि उस ग्लार्जिन का
कुछ भाग पोस्टप्रैंडियल एक्सकर्शंस को कम करने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि ग्लार्जिन की पीक लंच टाइम पे आ रही है, लंच के बाद आ रही है, इसलिए पोस्टप्रैंडियल एक्सकर्शंस में इफेक्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट वैल्यू की तुलना में आफ्टर लंच वैल्यूज में ज़्यादा मिल सकता है। तो ग्लार्जिन को मॉर्निंग आवर्स में शिफ्ट करके हम मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया की टेंडेंसी को कम कर सकते हैं और पोस्टप्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को घटाने में भी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना है कि ग्लार्जिन रात में लेने में फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया सप्रेस करने में बहुत थोड़ी डोज में भी काम हो जाता है, जबकि हम जब डे टाइम में ग्लार्जिन ले रहे हैं तो रात के कंपेरिजन में उसकी डोजेस ज़्यादा देनी होती हैं। वह सेफ तो होती हैं लेकिन ज़्यादा डोजेस के कारण से थोड़ा वेट गेन की टेंडेंसी और बढ़ जाती है। हाँ, एडवांटेज यह जरूर है कि मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम हो जाएंगे और पोस्टप्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को काउंटर करने में भी ये मदद करेगी। बिट्स रेजिम में आने वाली परेशानियों को समझने के बाद आइए हम समझते हैं कि यदि हम ट्वाइस डेली प्रीमिक्स्ड इंसुलिन रेजिमेन ले रहे हैं तब हमें इसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और हमको किस प्रकार से काउंटर कर सकते हैं। तो यदि हम प्रीमिक्स्ड इंसुलिन का प्रयोग कर रहे हैं 30-70 इंसुलिन, जिसमें 30% रैपिड एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन है और 70% इंटरमीडिएट एक्टिंग NPH इंसुलिन है, तो देखिए इसके प्रभाव क्या होते हैं। ये ब्लू कलर से जो कर्व है ये रेगुलर इंसुलिन का है, जिसको कि हम जानते हैं इंजेक्शन के 30 मिनट्स बाद उसका इफेक्ट आरंभ होता है, 2-4 आवर्स पे पीक करता है और 6-8 आवर्स तक वो लास्ट करता है। जबकि मील रिलेटेड ग्लाइसेमिक एक्सकर्शंस भोजन लेते ही थोड़ी देर में आरंभ हो जाता है। तो इस प्रकार जो रेगुलर इंसुलिन है वह देरी से काम कर रही है और हमारा अर्ली पोस्टप्रैंडियल आवर्स में 30-60-90 मिनट्स में ग्लाइसेमिक एक्सकर्शंस काफ़ी ऊपर हमें मिल सकते हैं। तो अर्ली पोस्टप्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया इसके साथ बना रहेगा। इसके अतिरिक्त जब यह रेगुलर इंसुलिन लेट तक काम कर रही है, 2-4 आवर्स पे पीक करिए, 4-8 आवर्स तक उसका असर है, जबकि मील रिलेटेड ग्लूकोज आना बंद हो चुका है, तो लेट पोस्टप्रैंडियल आवर्स में जो येलो कलर से दिखाया है हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस यह बढ़ा देगा। तो जब भी हम इस प्रीमिक्स इंसुलिन को प्रयोग में लाते हैं तब हमारी अर्ली पोस्टप्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया और लेट पोस्टप्रैंडियल हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना बनी रहती है। अब इसको कैसे हम दूर करें? यदि हम इस कर्व को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे इसमें हमने NPH इंसुलिन का कर्व हटा दिया है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जब हम मॉर्निंग और इवनिंग प्रयोग में ला रहे हैं तो उससे हमारे पोस्टप्रैंडियल स्पाइक्स कंट्रोल नहीं आ रहे। जब सेकेंड फिगर में अगर हम देखें, सेकेंड डे के प्रोफाइल में, यदि हमारे प्रीमिक्स इंसुलिन को हम 30 मिनट्स की जगह थोड़ा और पहले ले लें, 40-45 मिनट्स पहले ले लें, तो हमारा जो शॉर्ट एक्टिंग कंपोनेंट है उसका पीक भी थोड़ा पहले आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इंसुलिन और मील का गैप बढ़ाकर हम पोस्टप्रैंडियल स्पाइक्स को कुछ कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि गैप बढ़ाने से हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना भी बढ़ जाती है और हो सकता है पेशेंट अगर भोजन लेना भूल जाए और भोजन लेने में और भी अधिक देरी कर दे तो वो सीरियस हाइपोग्लाइसीमिया में लैंड अप करे। यह एक तरीका है इंसुलिन और मील के बीच में गैप बढ़ाकर, जिससे पोस्टप्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को बेहतर रूप से कंट्रोल में लाया जा सकता है। अब 40-45 मिनट्स पहले इंजेक्शन लेकर भी हम इन हाइपरग्लाइसमिक स्पाइक्स को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके लिए और बेहतर तरीका है यदि हम इस शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को रेगुलर की जगह शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स में शिफ्ट कर दें। तो हम शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन की जगह अगर हम सेकेंड डे के कर्व को देखें, जिसमें हम मॉर्निंग इवनिंग शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग एस्पार्ट या लिस्प्रो इंसुलिन को प्रयोग में ला रहे हैं, वह देने के बहुत तेजी से 30 मिनट्स पे उसकी पीक आती है, 30-60 मिनट्स पे पीक इफेक्ट रहता है और 3-5 आवर्स तक उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो यह हमारे मील रिलेटेड एक्सकर्शन या एंडोजेनस इंसुलिन रिलीज को ज़्यादा क्लोजली मिमिक कर रहा है। यह हाइपरग्लाइसेमिक
स्पाइक्स को ज़्यादा इफेक्टिवली कम कर पा रहा है, जो हम फर्स्ट डे और सेकेंड डे के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ भी हम देखें कि ट्वाइस डेली इंसुलिन देने पे यह आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर डिनर इन दो वैल्यूज़ को तो कंट्रोल कर रहा है, आफ्टर लंच वैल्यू अभी भी अनटच्ड है, जो कि आफ्टर लंच हाइपरग्लाइसीमिया इस स्थिति में भी काफ़ी बढ़ा बना रहेगा। तो यदि हमें इस आफ्टर लंच हाइपरग्लाइसीमिया को भी कंट्रोल करना है, जो कि हमारे ट्वाइस डेली रेजिमेन में नहीं हो पाता, तब उसके लिए हमें इस शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग को लंच के पहले भी इंट्रोड्यूस करना होगा। तो इस प्रकार अब यहाँ क्या होगा, मॉर्निंग इवनिंग प्रीमिक्स इंसुलिन, लेकिन वो इंसुलिन जिसमें रेगुलर एलएनपीएच की जगह एस्पार्ट और एनपीएच या लिस्प्रो और एनपीएच है, और बिफोर लंच केवल एस्पार्ट या केवल लिस्प्रो, जिससे कि वो आफ्टर लंच स्पाइक को कम कर सके। तो इस प्रकार अब हमारे आफ्टर लंच वैल्यू बढ़ी हुई है, तो दो इंजेक्शंस मॉर्निंग इवनिंग प्रीमिक्स की जगह एक बिफोर लंच और एड हो गया, जो कि केवल प्रांडियल इंसुलिन या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को हम जिसमें इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो मित्रों, यदि हम इन दो कर्व्स को ध्यान से देखें, तो जो पहले दिन का कर्व है, जिसमें हमने ट्वाइस डेली प्रीमिक्स इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन और एनपीएच इंसुलिन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, इसमें हम देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट पोस्टप्रांडियल स्पाइक्स रहती हैं और मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया के चांस रहते हैं। इससे हमारा बेहतर रेजीम मिल जाता है यदि हम रेगुलर की जगह हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स लें, और यहाँ भी ट्वाइस डेली एनपीएच की जगह अगर हम वंस डेली ग्लार्जिन या वंस डेली डिग्लुडेक इंसुलिन यूज़ करें, तब आप देख सकते हैं सेकेंड कर्व में कि यह हमारे कंट्रोल में और अच्छा प्रभावी होता है। इवनिंग ग्लार्जिन इंसुलिन हमारी फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया को मैनेज करती है, तीनों टाइम एस्पार्ट या लिस्प्रो इंसुलिन हमारी आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच और फिर आफ्टर डिनर पोस्टप्रांडियल स्पाइक्स को मैनेज करती है। इस प्रकार से यहाँ पे हम चार इंजेक्शंस एक दिन यूज़ कर रहे हैं, बेड टाइम ग्लार्जिन और तीनों टाइम बिफोर मील्स शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स, जिसको हम मल्टीपल सबकुटेनियस इंसुलिन रेजीम MSI रेजीम कहते हैं। ये एक अल्टीमेट रेजीम है जो कि हमारी नेचुरल एंडोजेनस इंसुलिन सिक्रीशन को सबसे ज़्यादा मिमिक करती है। यहाँ हम ग्लार्जिन की जगह पर हम डिग्लुडेक इंसुलिन को भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार MSI जिसमें 4 इंजेक्शन पर डे देते हैं, यह हमारे पेशेंट के कंट्रोल को और स्मूथ और प्रभावी और बनाने में मदद करता है और हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना को काफ़ी कम कर सकता है। धन्यवाद।